अर्ध नारेश्वर शिव की कथा कि किस प्रकार जब ब्रह्मा जी को सृष्टि में मैथुन सृष्टि बनाने का विचार आया तो किस प्रकार शिव जी ने उन्हें अर्ध नारेश्वर रूप में दर्शन दिए, आइए सुनते हैं। सुनिए दोस्तों, सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी द्वारा रची गई मानसिक सृष्टि विस्तार न पा सकी तब ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण अब मैथुनी सृष्टि करो। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि रचने का निश्चय तो कर लिया, किंतु उस समय तक नारियों की उत्पत्ति न होने के कारण भी अपने निश्चय में सफल नहीं हो सके। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि परमेश्वर शिव की कृपा के बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती, अतः वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगे। बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी अपने हृदय में प्रेम पूर्वक महेश्वर शिव का ध्यान करते रहे। उनके तीव्र तप से प्रसन्न होकर भगवान उमा महेश्वर ने उन्हें अर्ध नारीश्वर रूप में दर्शन दिया। महेश्वर शिव ने कहा, पुत्र ब्रह्मा, तुमने प्रजाओं की वृद्धि के लिए जो कठिन तप किया है उससे मैं परम प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने शरीर के आधे भाग से उमा देवी को अलग कर दिया। ब्रह्मा ने कहा, एक उचित सृष्टि निर्मित करने में अब तक मैं असफल रहा हूँ। मैं अब स्त्री पुरुष के समागम से मैं प्रजाओं को उत्पन्न कर सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूँ। परमेश्वरी शिवा ने अपनी भौहें के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की। सृष्टि निर्माण के लिए शिव की वह शक्ति ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को उपकृत कर तथा अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गईं। यही अर्ध नारीश्वर शिव का रहस्य है और इसी से आगे सृष्टि का संचालन हो पाया है, जिसके नियामक शिव शक्ति ही हैं।